आज मैं एक ओल्ड साड़ी के रीयूज़ का वीडियो शेयर कर रही हूँ और ये एक पुरानी साड़ी है और इससे मैं एक ड्रेस तैयार कर रही हूँ, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो आज मैं एक ओल्ड साड़ी का रीयूज का वीडियो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है अस्तर ये है और इसके अपर पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर मैंने 70 सेंटीमीटर के करीब लिया हुआ है और इसे 4 फोल्ड में कर दिया है। और यहाँ से 7.5 इंच लिया शोल्डर का हाफ, और फिर यहाँ से आर्म होल की लेंथ 6.5 रखेंगे और इधर से भी 7.5 पर निशान लगाया और एक निशान जो है 6.5 पर लगाएंगे, जो कि ये फ्रंट का है और उधर बैक का था। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे, तो ये फ्रंट का था और ये बैक का है। और यहाँ पर ये बस्ट का 1/4 लेंगे प्लस मार्जिन लेंगे, तो ये 11 पर निशान लगाया और यहाँ पे बस्ट का 1/4 9 इंच पर निशान लगा देंगे। और इसको भी इस तरह से निशान दोनों को मिला दिया। और यहाँ अब कटिंग कर लेते हैं इसकी, और इधर से थोड़ा सा कर्व में कट करेंगे और अब इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ से जो जुड़ा हुआ था इसे अलग करके और फिर फ्रंट में ये इसका शेप जो है, ये गहराई का शेप जो है, इसे भी कट कर लेते हैं। तो ये कटिंग हो गई और बैक के नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की ब्रॉडनेस 4 इंच रखी और लेंथ जो है 3.5 है, 3.5। और ये बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से शेप दे देंगे इसे। और फ्रंट नेक की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो ये है एक साड़ी और इसको मैंने इस तरह से लंबाई की तरफ से 4 फोल्ड में कर लिया है। तो ये मेरे माप में जो है ये इतना हो जा रहा है। अगर आपको ना हो तो आप इसे फिर चौड़ाई में फोल्ड करके 4 फोल्ड करके इसे कट करें। तो ये इधर से हो गया, तो मैंने इसे लंबाई में ही फोल्ड करके इसे कट कर लिया। तो ये अपर बॉडी जो है इसकी कट गई, अस्तर और मेन फैब्रिक जो है दोनों ही सेम ही कट किया मैंने। और अब ये इसके नीचे का स्कर्ट पार्ट का एरिया है, तो यहाँ से ये फोल्ड है और इस ये ऊपर में वेस्ट ये लेंथ इसकी रखेंगे यहाँ पर। तो इसकी जो लेंथ रखी है मैंने 46 है और टोटल कुर्ती की जो लंबाई है ये 44 बनकर तैयार होगी। तो इसको भी कट कर लिया है और अब इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव को ये फोल्ड कर लिया 4 भाग में, इसे भी फोल्ड कर लिया, ये 4 फोल्ड है कपड़े का। और इससे मैं पफ स्लीव बनाऊंगी। तो कुर्ती की जो लंबाई रखनी है वो 10 इंच रखनी है, तो मैंने 12 इंच मार्जिन के साथ जो है 12 इंच पर निशान लगाया इस तरह से। और यहाँ से बस्ट का 1/4 लेंगे, तो यहाँ आप 8.5 या 9 इंच पर आप रख सकते हैं, तो मैंने 8.5 रखा है। और यहाँ पे 7 इंच रखेंगे मार्जिन के साथ और फिर ये इधर से डाउन 3.5 और फिर ये शेप लगा देंगे और यहाँ से भी इसको इस तरह से मिला देंगे। और अब ये जो शेप लगाया था यहाँ से पहले ऊपर जो है 5 इंच रखेंगे क्योंकि पफ बनाना है। और ये जो शेप लगाया है इसे माप लेते हैं ये कितना आ रहा है, तो इसे थोड़ा सा कर्व में कर लेंगे। तो 9 इंच आ रहा है, तो 9 का हाफ 4.5 लिया, तो ये सीधे में एक निशान लगाया 4.5। और यहाँ से भी जो 5 इंच रखा था वहाँ पे भी ऊपर में 4.5 और फिर इधर भी एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से तैयार हो गया। अब इस वाले लाइन से यहाँ से फिर वो नीचे तक जो 3.5 बनाया था वहाँ तक इसे कर्व में कर लेंगे ये, और अब उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से अब इसकी ये कटिंग हो गई और इसमें फ्रंट का जो निशान है वो नहीं लग, फ्रंट की जो कटिंग होती है गहराई की वो नहीं लगेगी। और जो 4.5 पर निशान लगाया था वहाँ तक कट कर लेंगे, वहाँ पर हल्का सा कट लगा दिया है और वहाँ से पफ बनाएंगे। तो ये इसकी कटिंग जो है हो गई पफ स्लीव की, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये स्लीव। तो इसमें इस तरह से प्लीट्स पड़ेंगे दोनों साइड से और इस साइड से भी। तो सबसे पहले इसका ये बॉटम जो है सिल लेते हैं।
तो दोनों जो स्लीव है उसका बॉटम तैयार कर लेंगे और इसके सेंटर में निशान लगाएंगे, और इसमें फ्रंट में जो गहराई का शेप होता है वो नहीं लगेगा। और ये जो निशान लगाया था 4.5 पर, वहाँ से प्लीट्स बनाएंगे, छोटे छोटे प्लीट्स। तो इस तरह से ये पूरा प्लीट्स जो है यहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर तक थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ इंच का करीब ऐसे प्लीट्स बनाते जाएंगे। और फिर उसके सेंटर से जो है इसकी प्लीट्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे, अपोजिट साइड में कर देंगे। तो ये देखिए ये तैयार हो गया है, ये पफ स्लीव। तो दूसरे बाजू को भी ऐसे ही तैयार कर लेना है। तो एक इस तरफ है और एक उसके अपोजिट साइड में इसका ये प्लीट्स पड़ा है। तो इसका जो ये अपर बॉडी तैयार किया था उसमें मैंने ये स्लीव भी अटैच कर ली है और नेक भी रेडी कर लिया है। और नेक का वीडियो जो है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये नेक भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो ये इसका स्कर्ट पार्ट जो है इसे कट कर लिया है और इसमें बॉक्स प्लीट बनाना है मुझे। तो बॉक्स प्लीट बनाने के लिए पहले सेंटर में बिल्कुल एक निशान लगा लिया है और इस सेंटर से आपका जितना भी कपड़ा हो आप उस हिसाब से जो है इसमें बॉक्स जो ये प्लीट बनाएंगे उसकी चौड़ाई जो है बॉक्स की आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 इंच के करीब जो है इसे इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है 3 इंच के करीब और ये पिन लगा दिया है। और पहले ये बीच में एक प्लीट बनाया और फिर उसके साइड साइड में, तो टोटल जो है वो 3 बॉक्स प्लीट मैंने तैयार किए हैं फ्रंट में और बैक में भी 3, यानी कि 6 जो हैं ये पूरे फ्रॉक में बनकर तैयार होंगे, पूरी कुर्ती में। तो यहाँ पर भी इसे इस तरह से प्लीट बना लिया है और फिर इसे सिल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बनकर आया है और नीचे का भी घेर इसमें सिलाई लगा लेंगे और बैक में भी वैसे ही कर लेंगे। तो अब इसे अपर पार्ट को और ये बॉटम को दोनों को ज्वाइन इसका सिल लेंगे और फिटिंग का निशान लगा लेंगे। और साइड में मैंने इसे ओपन रखा है, साइड में सिलाई नहीं लगाई है। तो ये कुर्ती का ये फाइनल लुक है। तो ये इस तरह से बनकर आया है और इसमें लाइनिंग जो है सिर्फ अपर बॉडी में लगाई है और कहीं भी लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है मैंने, नीचे भी नहीं लगाया है। और इसका जो बचा हुआ साड़ी, बची हुई साड़ी थी उससे मैंने पैंट तैयार किया है। तो पैंट का वीडियो जो है वो मैंने शेयर नहीं किया है। तो ये नीचे पैंट है और यहाँ से दोनों साइड से जो है ओपन है, इसमें सिलाई नहीं लगाई है। और इसे सिलने के बाद ये इस तरह से जैसे कुर्ती में उसकी सिलाई होती है वैसे ही इसे सिल लिया है और ये इसका पैंट रेडी किया है। तो आपको ये कुर्ती कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ी है तो आप उसका अच्छा रीयूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।